नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कुणाल कौशिक आज फिर आपके पास एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है जियोपैथिक स्ट्रेस इन दुबई। दोस्तों, मैंने दुबई में बहुत सारी साइट्स पे हज़ारों क्लाइंट्स के यहाँ विज़िट करा है अपने, और मेरे को लेवल वन और टू का जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत सारी जगहों पर मिला भी है। ऐसा नहीं है दुबई में जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं मिलता है या बहुत ज़्यादा मिलता है, बट बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी थे जहाँ जहाँ से मेरे को ये रिव्यूज़ मिले कि हाँ जी, जियोपैथिक स्ट्रेस हमारे को बताया था, हमने रॉड्स का यूज़ किया। तो दोस्तों, ध्यान रखें, कहीं भी अगर जियोपैथिक स्ट्रेस की 1 मीटर 2 मीटर चौड़ी लाइन अगर जा रही है, उसको आप 6 इंच की 8 इंच की रॉड लगा के क्योर नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि वास्तु कंसल्टेंट जो आपके घर आके जियोपैथिक स्ट्रेस बता के गया है, वो क्या स्कैनर, कौन सा स्कैनर या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा था, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स वो भी हैं जो एक वास्तु कंसल्टेंट यूज़ कर रहा है, और इंस्ट्रूमेंट वो भी हैं जो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट और या इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किए जाते हैं, जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं रिसर्च करने में, जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट्स वो भी हैं। और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स मैं कमेंट नहीं करूँगा, सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप हमेशा अपने वास्तु कंसल्टेंट से पहली चीज़ ये पूछें कि अगर जियोपैथिक स्ट्रेस वो बता रहा है आपके घर में, तो वो लेवल कौन सा है। हो सकता है वो लेवल ऐसा हो जिसका क्योर करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेवल वन हो, लेवल टू हो। तो इन दोनों लेवल पे अगर जियोपैथिक स्ट्रेस आपका मिलता है घर का, स्पेशली इन दुबई, वो हार्मफुल नहीं है। लेवल 3 का जियोपैथिक स्ट्रेस है जो कि हार्मफुल होता है, जो कि आपको बीमार करता है अगर आप उस जगह पे रहते हैं। और इन इन चीज़ों के क्योर जो हैं, वो रॉड कोई क्योर नहीं है, क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन कितनी चौड़ी है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो रेमेडी आपको क्या करनी है। और जियोपैथिक स्ट्रेस की रेमेडीज़ बहुत सस्ती होती हैं, इतनी महंगी रेमेडी नहीं होती जो वास्तु कंसल्टेंट सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान रखें, जियोपैथिक स्ट्रेस आपके घर में अगर कोई बता रहा है, तो पहले उससे लेवल पूछें और हमेशा क्रॉस चेक करें रेमेडी कराने से पहले कि जियोपैथिक स्ट्रेस कौन से लेवल का है आपके घर में, या रेमेडी जो वास्तु वाले ने बताई है क्या वो ठीक है या गलत है। क्योंकि 2 मीटर 3 मीटर का अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो वो आपका रॉड से ठीक नहीं हो सकता, छोटी सी रॉड लगाने से ठीक नहीं होगा। धन्यवाद।